मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन है पूरे भारत में, और अगर बात करें हम मुंब्रा की तो अब मुंब्रा में जो है ड्रोन के जरिए इमारतों और गलियों में नज़र रखी जा रही है। आपको दिखा दें कि जिस तरह से मुंब्रा में लोग सड़कों पर घूमते थे, गलियों में घूमते थे, इमारतों की जो टेरिस है वहाँ पर ज़्यादातर लोग 4-5 की संख्या में बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब उनके लिए ये आसान नहीं है क्योंकि अब मुंब्रा में ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है नज़र रखी जा रही है। आपको दिखा दें यहाँ पर पूरा सिस्टम मौजूद है और यहाँ से जो है पुलिस ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है गलियों में, सड़कों पर, इमारतों पर नज़र रख रही है कि कौन व्यक्ति कहाँ है, कितने लोग इकट्ठा है। उन्हें ड्रोन के ज़रिए जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, उन्हें घरों में जाने के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर जो है पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से ड्रोन के ज़रिए जो है गलियों में और इमारतों पर जो है नज़र रखी जा रही है। पिछले 2 दिन से हम ये ड्रोन के माध्यम से लोगों को सूचनाएँ दे रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि पुलिस हर छोटी मोटी गली में जाती थी, पुलिस वहाँ से गुजरने के बाद दोबारा पब्लिक जो है रास्तों पर आकर खड़ी रहती थी, बिना वजह कुछ भी छोटा मोटा काम झूठ बोल के नीचे उतरती थी। लेकिन अभी जब से ड्रोन का काम शुरू है तो हम कम से कम यहाँ से 2 मीटर के डायमीटर में हम ध्यान दे पा रहे हैं, और कोई भी आदमी बेवजह अगर बाहर निकल रहा है तो यहाँ से स्क्रीन पर देख कर हम उनको घर जाने को सख्ती कर रहे हैं, और इस काम में पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, जिस तरह से ड्रोन जो है उड़ाया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, तो क्या लोग इस आवाज़ सुनकर आपकी जो यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं तो सुनकर घरों में अपने जा रहे हैं? यस, हम यहाँ से जब लोगों को बोलते हैं, कोई भी आदमी टेरेस पर दिखता है या उनके बिल्डिंग के सामने 2-4 लोग खड़े रहते हैं और बातें करते हैं, अगर यहाँ से हम उनको बोलेंगे कि आप घर पर जाइए तो तुरंत लोग इसको अच्छी तरह से सुनकर घर पर निकल जाते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आवाज़ सुनने के बावजूद भी अनदेखा करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, यहाँ पर हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप घर पर जाइए, ये सुनकर भी अगर वो नहीं जा रहे, कोई अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है कि जिनको बोला गया और वो अंदर नहीं गए, लेकिन आगे चलकर ऐसा कोई आदमी हमारी सूचनाएँ सुनेगा और घर पर नहीं जाएगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हर आदमी की रिकॉर्डिंग हमारे ये स्क्रीन के ऊपर हो रही है। आपके माध्यम से मैं हर मुंब्रा वासियों को अपील करना चाहूँगा कि वो घर पर ही रहे और खुद के फैमिली का और खुद का अच्छे से ध्यान रहे। तो आपने सुना जिस तरह से ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है। बात करते हैं हम इनसे जो यहाँ पर ड्रोन कैमरा जिनकी कंपनी की तरफ से यहाँ पर आया है वो यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मकरंद बाघ है। ये ड्रोन कैमरे के बारे में कुछ जानकारी देंगे? अच्छा, ये जो ड्रोन कैमरा है ये 100% मेक इन इंडिया कैमरा है। ये पूरा ड्रोन हमने इंडिया में बनाया। कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज, और अगर ड्रोन के टेक्निकल पैरामीटर्स बताया जाए तो ड्रोन का वज़न 4.5 किलो, इतना हेवी ड्रोन जनरली हमें दिखाई नहीं देता, हमने यहाँ इंडिया में बनाया। इसमें पेलोड अलग अलग लगा सकते हैं। इसमें हमने आज पेलोड के लिए कैमरा और PA सिस्टम भी लगाया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ड्रोन का अगर कम्युनिकेशन रेंज पकड़े तो 200 मीटर ऊपर जा सकता है, 2 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट वो कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी एक जगह खड़ा रह के हम 4 किलोमीटर का रेडियस कवर कर सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो आगे 4 किलोमीटर का देख सकता है, तो इतना बड़ा रेंज हम कवर कर सकते हैं। यहाँ से हमें ड्रोन से वीडियोज़ आ रहे हैं। जो कैमरा लगा है वो 10x ऑप्टिकल है, 40x डिजिटल जूम है। इसमें जो PA सिस्टम लगा है वो उसका आवाज़ भी काफ़ी तगड़ा है। तो हमें जो विजुअल इनपुट्स मिल रहे हैं यहाँ से हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं कि हमें कुछ भी बताना है, हम वॉकी टॉकी से बता रहे हैं तो उसके PA सिस्टम से वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये 2 तरह के काम कर सकता है, एक तो स्विफ्ट साइलेंट मॉनिटरिंग कर सकता है जिसमें हम आवाज़ बंद करके रखेंगे, और अगर हमें कुछ अनाउंस करना है तो अभी आप सुनाई दे रहे हैं इसमें एक सायरन भी बजता है, हम बटन दबाए तो सायरन बजता है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, और हमें जो अनाउंसमेंट करनी है वो हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो लोगों के पास अपना जो मैसेज है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो डायरेक्टली पहुँच जाते हैं, हमें उधर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को हमेशा लगता है कि यार कुछ तो है जो हमें देख रहा है। ये ड्रोन में अगर बैटरी ख़त्म, चार्जिंग इसकी ख़त्म होती है तो क्या वो वहाँ से वापस रिटर्न अपने ऑटोमेटिक आएगा यहाँ आप तक, या फिर वो वहाँ पर कैसे लैंडिंग करेगा? यस, इस ड्रोन में फेलसेफ मोड है। अगर इसकी बैटरी अगर ख़त्म हो रही है तो उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो खुद जान लेता है कि मैं जहाँ से उड़ाऊँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितना बैटरी लगेगा, तो वो खुद लैंडिंग इनिशिएट करेगा, और जहाँ से
टेकअप किया है, टेक ऑफ किया है, वहाँ वो लैंड हो जाएगा, वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के हिसाब से BTOL जिसको बोलते हैं वो करता है। अगर उसके GPS है वो फेल हो गए तो वो जहाँ से लैंड हुआ है वहाँ टेक ऑफ हुआ है वहाँ लैंड हो जाएगा। उसका अगर कम्युनिकेशन भी फेल हुआ तो उसमें जो GPS कोऑर्डिनेट्स है उस उधर आके वो लैंड हो जाएगा। तो इसमें फेल सेफ मोड है, यानी ये ड्रोन यहाँ से कहीं बाहर अपने कंट्रोल से नहीं जा सकता। अभी ड्रोन लैंडिंग के लिए आ रहा है, उसका बैटरी डाउन हो गया, उसने लैंडिंग इनिशिएट किया, आप देख सकते हैं ड्रोन अभी लैंड हो रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये पूरा अत्याधुनिक सेट है, ड्रोन जो है वो अत्याधुनिक बना हुआ है और पूरे मुमरा में जो है ड्रोन के ज़रिए ऐसे ही निगरानी रखी जाएगी। लोग गलियों में और बिल्डिंग के टेरिसों पर जिस तरह से ग्रुप बनाकर बैठे रहते थे, बातें करते थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें भी ड्रोन कैमरे के ज़रिए चेतावनी दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।